Shameless daughter-in-law. In a small village, there lived a daughter-in-law who was known for her shameless behavior. एक छोटी सी गांव में एक बहू रहती थी जो अपने बेहुदा व्यवहार के लिए जानी जाती थी. Her name was Radha and she lived with her husband एंड इन लॉ. उसका नाम राधा था और वह अपने पति और ससुराल वाले के साथ रहती थी. राधा वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग एनी हाउस होल्ड चोरीज. राधा को घर के किसी भी काम में रुचि नहीं थी. शी वुड स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम गॉसिपिंग विद द नेबर्स. वह अपना अधिकतर समय पड़ोसियों के साथ गपशप करने में बिताती थी. हर मदर इन लॉ वुड ऑफन स्कोल्ड हर फॉर बीइंग सो लेजी एंड केयरलेस. उसके सास अक्सर उसे आलसी और लापरवाह होने के लिए डांटती थी. बट राधा पेड नो अटेंशन टू हर एंड कंटिन्यूड हर वे. लेकिन राधा ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने तरीके से चलती रही. वन डे देर वॉज अ बिग फैमिली इवेंट एंड एवरीवन वॉज बिजी प्रिपेयरिंग फॉर इट. एक दिन एक बड़ा पारिवारिक आयोजन था और हर कोई उसकी तैयारी में व्यस्त था. राधा वॉज आस्क्ड टू हेल्प बट शी रिफ्यूज एंड वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस इंस्टेड. राधा उसे मदद करने को कहा गया लेकिन उसने मना कर दिया. अपने दोस्त के घर चली गई. हर मदर इन लॉ वॉज फ्यूरियस एंड डिसाइडेड टू टीच हर अ लेसन. उसकी सास बहुत गुस्से में थी और उसने उसे सबक सिखाने का फैसला किया. When राधा रिटर्न शी फाउंड दैट ऑल हर बिलोंगिंग्स वर थ्रू आउट ऑफ द हाउस. जब राधा वापस आई तो उसने देखा कि उसके सभी सामान को घर के बाहर फेंक दिया गया है. हर हस्बैंड टोल्ड हर दैट शी कुड कम बैक ओनली इफ शी प्रोमिस्ड टू चेंज हर बिहेवियर. उसके पति ने उससे कहा कि वह तभी वापस आ सकती है जब वह अपने व्यवहार में सुधार न करने का वादा करे. रियलाइजिंग हर मिस्टेक राधा प्रॉमिस टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पेक्टफुल. अपनी गलती का एहसास होने पर राधा ने अधिक जिम्मेदार और सम्मानजनक बनने का वादा किया. फ्रॉम दैट डे ऑन शी वर्क हार्ड टू प्रूव हरसेल्फ and eventually work back the love and respect of her family. उस दिन के बाद से उसने खुद को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत की और अंततः अपने परिवार का प्यार और सम्मान वापस जीत लिया. Those Radhas learned the importance of responsibility and respect with द फैमिली. इस प्रकार राधा ने परिवार में जिम्मेदारी और सम्मान का महत्व सीखा.